जिले में बाढ़ में डूब गई बहन बेटियों के घर बसाने का अरमान। बाढ़ ने दी दुश्वारी, क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में इस बार बाढ़ ने मचाई तबाही। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किया फिरोजाबाद का दौरा। फिरोजाबाद में बुखार से 32 बच्चों की हुई मौत, जांच के दिए आदेश। आज यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना, साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका। बिहार के एक गांव में पीएम के जन्मदिन पर मनता है उत्सव, लोग करते हैं नरेंद्र मोदी की पूजा, गांव में पूरे दिन रहता है उत्साह का माहौल। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक बने कांग्रेस हाईकमान के लिए सिरदर्द, उनके समर्थकों को संभाले रखना आसान नहीं। केवीसी में हिस्सा लेकर फंसा रेलवे का अफसर, 3 साल तक इंक्रीमेंट पर रोक और थमा दी गई चार्जशीट। यूएस के देश छोड़ने पर तालिबान में खुशी की लहर, आसमान में आतिशबाजी कर बंदूक चला मनाया जश्न। भारत में अक्टूबर नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर होगी चरम सीमा पर, दूसरे चरण की तुलना में काफी कम होगी इसकी तीव्रता। कानपुर में तेज बुखार का कहर, तेजी से गिरते प्लेटलेट्स, फिर भी डेंगू की जांच नहीं। सरकार की योजना, अक्टूबर तक लगभग सभी वयस्कों को मिल जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। लाठी चार्ज से हरियाणा सरकार गिरी चौतरफा, कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को बताया लठ जीवी। सुरजेवाला बोले, राज्य की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं खट्टर। सुकेत योजना की विस्तृत रिपोर्ट, जल्दी सरकार को सौंपेगी यूनिवर्सिटी, पीएम मोदी कर चुके हैं योजना की तारीफ। आधी अधूरी तैयारियों के बीच खुलेंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल, यूनिफॉर्म, बैग और किताबों के बिना शुरू होगी पढ़ाई। लखनऊ को मिलेगी 17 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण। लखनऊ में घायल पीएसी जवान को मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में एम्बुलेंस पहुंचाया अस्पताल, युवक को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। यूपी के सभी मंडलों में दी जाएगी पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी होंगे शामिल। अमृतसर में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर पूर्वी में जमकर विरोध, नारेबाजी भी की गई। नरेंद्र मोदी अभी हमारे पीएम, पर भविष्य के बारे में कोई नहीं कुछ जानता, उपेंद्र कुशवाहा बोले, कुछ भी हो सकता है। उधमपुर में प्रयागराज एक्सप्रेस में लूट के सभी 9 आरोपी गिरफ्तार, 30 सितंबर तक रहेंगे रिमांड पर। यूएनसी की बैठक के बाद बोला भारत, किसी देश को धमकाने या आतंकियों की पनाह के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।